पहला क्या प्राथमिकता है आपकी नए साल प्रदेश को लेकर? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभ है, एक अधोसंरचना शहरों की हो, ग्रामीण क्षेत्र की हो, दूसरा सुशासन, गुड गवर्नेंस, और सुशासन में सब चीजें आती है। एक शासकीय योजनाओं का और सुविधाओं का लाभ निश्चित समय सीमा में बिना लिए दिए जो लाभार्थी है, जनता का आदमी है, जनता है, उसको मिले, उसके लिए कई तरह के प्रावधान कर रहे हैं। अभी हमने एक और किया है, अगर कोई सुविधा शासकीय योजनाओं की 7 दिन में मिलनी है और किसी अधिकारी को देना है, 7 दिन में अगर नहीं दी तो जुर्माना तो अलग होगा, लेकिन अपने आप डीम्ड परमिशन कंप्यूटर से बन के और उसके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। एक नहीं, ऐसे कई काम हम कर रहे हैं जिससे जनता को कोई दिक्कत ना हो। सुशासन में आता है कानून और व्यवस्था भी। मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाए रखेंगे। मैंने पहले ही कहा, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है, दुष्ट है, माफिया है, तो उसके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो को हम फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में, और अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये दो हमारे मुख्य टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है। इनको ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां जनता की सेवा और प्रदेश का विकास करते हुए जो सबसे गरीब, सबसे पीछे और सबसे नीचे जो भाई बहन है, उनके कल्याण के लिए विशेष रूप से काम करें। इसलिए आज साल के पहले दिन इंदौर में आके मैं ऐसे ही भाई बहनों से मिला।